सो रानी मैं जैसे कि आप IOCL में पेट्रोलियम है एंड केमिकल के बारे में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी निकली हुई थी उसका पढ़ा कि वो जनवरी फरवरी में मतलब उसका जो है सब कुछ पूरा हो गया था प्रोसीजर, क्योंकि उसका जनवरी में उसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया और फरवरी वगैरह में उसको मेडिकल वगैरह करा के DV वगैरह करा के उसको फाइनल कर दिया गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो भी मतलब अपडेट वैकेंसी उसमें आती है, तो जैसे मैं तुरंत मैं आपको उनको नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, तुरंत तुरंत आप लोगों को जो है पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे दूँगा। और सबसे बड़ी बात करें सैलरी के बारे में पूछ रहे थे कि उसमें कितना सैलरी कितनी उसमें रहती है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो उसको जो सैलरी रहती है वो बताने वाला हूँ। उससे पहले तो आप मान लीजिए कि वो पोस्ट कौन सी रहती है, उसका पोस्ट का नाम तो ट्रेड डेटा एंट्री अप्रेंटिसशिप। तो उसमें आप लोगों को जो सैलरी होती है 1.8 लाख पर ईयर की होती है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, 1 साल 2 साल की अप्रेंटिसशिप होती है। ये देख लीजिए अगर केमिकल से हैं तो आप लोगों को करीब 2 साल देंगे अप्रेंटिसशिप, उसमें 3 साल भी हो सकती है, लेकिन अगर और अदर ब्रांच से तो आपको 1 से 2 साल मैक्सिमम रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो उसके बाद से बात करते हैं उसमें करने के बाद बहुत सारी PSUs वगैरह में रिक्वायरमेंट निकलती है तो आपको परमानेंट कर दिया जाता है। तो उसमें सैलरी बेसिकली अच्छा रहता है, जैसे कि 1.8 लाख से लेकर 2.5 लाख पर एनम का आपका पैकेज रहेगा, तो मतलब अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 हज़ार के आसपास और मैक्सिमम 25 हज़ार भी आ सकती है आपकी सैलरी। तो काफ़ी अच्छा है, एक है सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऑफिशियल वर्क इसमें मिलेगा आपको, बिल्कुल आपको कोई भी फील्ड विजिट नहीं रहेगा, आपको सिर्फ सिस्टम पे काम करना है, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और इसमें जितने भी टेक्निकल बंदे हैं बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इसमें। तो प्लीज़ इसमें जब भी वैकेंसी आती है तो उसको बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा, इसमें आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा आप लोग लिए। थैंक यू।